छोटे पर्दे पर बहुत ही कम समय में अपना एक अलग मुकाम बना लेने वाली श्रुति आनंद, जो कि दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रुचिता का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीरियल तेरी लाडली में से किया था। आइए जानते हैं कि उनकी अब तक की यात्रा क्या रही और उन्हें अभिनय का शौक कैसे पहुंचा। श्रुति आनंद जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मुझे आप बताएं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रही, आपकी शिक्षा क्या रही और अभिनय का चस्का कैसे लगा? क्या आपके घर में परिवार में कोई कला से पहले से जुड़ा हुआ है? कोई भी नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, अभिनय से भी नहीं है, इंडस्ट्री से भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है सबसे पहले तो। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये करियर चुनने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं वैसे आई बिलोंग टू बिहार मुंगेर, एंड टेंथ के बाद मैंने बायो ले लिया था। मुझे लगा था शायद मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, लेकिन फिर औकात पता चली कि ओके। फिर मैंने मास कॉम किया दिल्ली से, उसके बाद वहाँ पे मैंने एंकरिंग, मुझे पता चल गया था कि आई लव कैमरा, कैमरा आते ही कुछ हो जाता था, मुझे बहुत अच्छा सा लगता था। तो मैंने सोचा एंकरिंग ट्राई करती हूँ, लेकिन उसमें भी मज़ा नहीं आया मुझे। तो मुझे दिल्ली में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक दैनिक भास्कर करके चैनल है, उसमें मुझे एक गूंगी लेडी का कुछ भूमिका निभाना था, म्यूजिकल था वो, और उसमें मैंने 24 घंटे शूट किया था बिना खाए बिना पिए, और ना ही मुझे भूख लगी और ना ही एक मिनट के लिए मैं बोर नहीं हुई मैं। तो मुझे लगा कि यही है, फिर जो है एक पॉइंट आता है ना, मैंने रियलाइज की अच्छा, क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ग्रेजुएशन कर रही हूँ ये मास कॉम में, बट थैंकफुली आई गॉट टू नो दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय लाइफ। एंड देन आई ज्वाइन थिएटर, दिल्ली में ही थिएटर ज्वाइन किया। एक तो मैं नहीं कर पाई, ज्यादा टाइम नहीं दे पाई थी मैं, क्योंकि कॉलेज भी साथ साथ में था। लेकिन फिर बोलते हैं ना, एक बार आप कोई सपना देख लेते हो और करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं कभी निगेटिव नहीं हुई, हालांकि मेरे फैमिली मेंबर सबको ही बोलते थे कि एक तो तुम यहाँ से बिलोंग करती हो, ऊपर से मुंबई जैसे बड़े शहर में जाके क्या करोगी, कैसे रहोगी, मतलब सपने थोड़ा ना आराम से औकात में रह के देखो, बोलते ना चादर जितना है उतना ही पैर फैलाओ। लेकिन मुझे कभी इन सब चीजों का ना कभी कुछ, आई नेवर गॉट अफेक्टेड, या फिर कि हाँ सही बोल रहे हैं, अंदर से पता था मुझे क्या करना है, लेकिन रास्ता खुद बनाना था। तो मैंने जॉब से स्टार्ट किया, वहीं गुड़गांव से जॉब किया, फिर वहां से धीरे धीरे जॉब करते करते मुझे पता चला कि मुंबई में भी ऑफिस है। तो कोविड हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वर्क फ्रॉम होम था मेरा, तो मैं सब कुछ लेकर के मुंबई आ गई। फिर यहाँ पे मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, और सबसे 2020 अक्टूबर में मैं मुंबई आई थी, और मुझे पहला प्रोजेक्ट नवंबर में मिल गया था, जो एक मूवी है निकम्मा, आने वाली है, साबिर खान की मूवी है, इसमें मुझे एक कैमियो कैरेक्टर मिला था एंकर का। फिर धीरे धीरे खुद ही रास्ता बनता गया, फिर मुझे एक सीरियल मिला तेरी लाडली में, उसमें मुझे लीड की बहन का किरदार मिला, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था एक्टिंग कैसे करते हैं सीरियल में, कैमरा यहाँ लगाते हैं, क्लोज में कोई नहीं होता, आई हैड नो आइडिया। मैं बहुत डरी हुई सहमी हुई लड़की थी कि यार मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मैं कैसे क्या करूं। लेकिन लोग बहुत अच्छे थे मेरे आसपास, मेरे मम्मी पापा का जो भी किरदार निभा रहे थे, उन लोगों ने मुझे बहुत सराहा, बहुत समझाया। फिर मुझे उसी प्रोडक्शन हाउस से ये दूसरा सीरियल मिला, विच इज मन सुंदर, जिसमें मैं लीड कर रही हूँ और जो मैं करना चाहती थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं यही सपना लेके आई थी और हर दिन ये मैं जी रही हूँ, ये मैं करती हूँ। तो यही बोलना चाहूंगी कि कभी सपना देखना छोड़ो मत, डजेंट मैटर कहाँ से तुम बिलोंग करते हो, कुछ मैटर नहीं करता है, पैसे हैं नहीं है, इवेंचुअली रास्ता बन जाता है। सपना देखो, मेहनत करो और हर दिन करो। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास कोविड के टाइम पे काम नहीं था, तेरी लाडली ऑफेयर हो गया था, मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने मतलब योगा नहीं किया, या एक्टिंग के लिए कुछ नहीं किया, या रीडिंग नहीं की। तो डोंट एवर लेट वन सिंगल डे ऑल्सो गो जस्ट लाइक दैट, क्योंकि कुछ काम नहीं है या पैसा नहीं है। हर दिन अपना गिनो, और जो करना चाहते हो वो कोई नहीं रोक पाएगा करने से, कोई नहीं रोक पाएगा। श्रुति, आप मुंगेर से बिलोंग करती हैं, तो आपकी एजुकेशन हिंदी माध्यम में हुई या अंग्रेजी कन्वेंट में हुई, और आपके घर में क्या माहौल रहा है, मदर फादर क्या करते रहे, कुछ डिटेल्स में बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगी। तो मेरी स्कूलिंग नॉटिंगहम एकेडमी मुंगेर से हुई थी, एक कॉन्वेंट स्कूल है ये, और मेरी मम्मी एजुकेशन ऑफिसर है, गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर वहीं पे है, और मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, बस एक मेरा भाई है वो भी बैंक में है, और मैं यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली सारी वहीं रहती है, एंड आई लिव हियर। तो मुंगेर में जो आपकी एजुकेशन हो रही थी, वो किस ढंग का स्कूल था, बम्बई जैसे या दिल्ली जैसे स्कूल होते हैं वहाँ थे, या क्या फर्क था वहाँ? कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल स्कूल होते, क्रिश्चियन स्कूल था, कॉन्वेंट था, अच्छा था। जब आप दिल्ली पहुंची,
और आपको लगा कि अब मुझे एक्टिंग करना है या अभिनय में कोशिश करनी चाहिए, तो किस ढंग की आपने तैयारियां की? वही, मुझे जब पता चला कि मुझे एक्टिंग ही करनी है तो सबसे पहले तो सीखना बहुत जरूरी है, ऐसे ही तुम कैमरा निकाल के कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, एक परिंदे थिएटर है वहाँ पे लक्ष्मी नगर में, और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि आना जाना और कॉलेज सब साथ में हो पाए, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता है अगर वो चाह ले तो। तो मैं करती थी लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं कर पाई, 2-3 महीने मैंने थिएटर किया। फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स मिलने शुरू हुए, लोगों को जानना, थोड़ा बहुत सीखा समझा बस। तो आपका पहला नाटक कौन सा था और उसमें किस तरह का किरदार था वो? मेरा पहला नाटक था आम का अचार। हाँ, आम का अचार था, उसमें एक जो लीड का जो किरदार निभा रही थी उसकी बहन बनी थी मैं, उसकी बहन या दोस्त बनी थी। तो ये श्रीराम सेंटर वहाँ पे है ना, मंडी हाउस में, वहाँ पे मैंने प्ले किया था और ये मेरा पहला प्ले था। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला था इस प्ले को और आपके अभिनय को किस ढंग से लोगों ने सराहा, क्या हुआ था? मेरा ना ज्यादा रोल नहीं था उसमें, बहुत छोटा सा था, लेकिन हाँ मैं जब आई तो लोग तालियां बजा रहे थे, सबके लिए बजा रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टेज पे परफॉर्म करना या कैमरे के पीछे परफॉर्म करना, तो अच्छा लगा था मुझे। बम्बई पहुंचने के बाद किस तरह का संघर्ष रहा पहला ब्रेक मिलने तक? कुछ नहीं, वही मैंने आपको बोला कि मेरे पास जॉब लेके इसलिए आई थी कि कुछ ज्यादा मुझे सोचना ना पड़े कि अब कैसे करूँ काम, अब पापा मम्मी को ना टोकना पड़ेगी, तो था मेरे पास एक बैकअप। बट ये भी था कि करना तो यही है, मतलब एक्टिंग ही करनी, कैसे करना है वो धीरे धीरे ऑडिशन, इंस्टाग्राम बहुत बहुत बड़ी चीज़ है आजकल, जो हमारे पास ये सोशल मीडिया है ना, क्या कुछ नहीं मिल जाता है हमें, मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिली है। और जो नए एक्टर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, ऑडिशन ढूंढ रहे हैं या जो कुछ भी है, यार इंस्टाग्राम पे सब कुछ है, तुम ऑडिशन भी डाल सकते हो, तुम कास्टिंग डायरेक्टर है इतने सारे, उनको मैसेज कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कोई भी नहीं है ऐसा जो आपको मना करे, बस आप मेहनत करो, टैलेंट है तो सब हो सकता है। सोशल मीडिया में जो कलाकार के फॉलोअर्स होते हैं उसकी संख्या के बल पर अब काम दिया जाने लगा है, तो आपको नहीं था जो प्रतिभाशाली कलाकार है उसको कहीं ना कहीं अंदर से आहत होते हैं वो, क्योंकि उनको काम नहीं मिल पाता? होता है, यही मैं इस चीज को एक सोच की बात बोलूंगी, मैं भी, मेरे से भी लोग पूछते थे जब मैं ऑडिशन देने जाती थी कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, बट आप अगर इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रहे हो तो इट्स अप टू यू, मेरे लिए ये मायने नहीं रखते, फॉलोअर्स हैं बहुत तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो ठीक है, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल करना। और अगर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो भी गए, जैसे अभी मैंने जब से ये सीरियल कर रही हूँ, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, ये आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, मतलब आपके जो निजी जिंदगी है उसमें आप काम करते रहो वो ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सोशल मीडिया, दैट्स फॉर एंटरटेनमेंट, डोंट टेक इट दैट सीरियसली कि पता नहीं क्या होगा, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। श्रुति जी, सीरियल मन सुंदर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मन सुंदर का मतलब मेरे लिए तो यही है, यही पूछ रहे हो ना आप, मतलब मन सुंदर का मतलब भी क्या है और ये सीरियल क्या कहना चाहता है, इस उसका नाम क्यों है मन सुंदर? यही है कि आजकल लोग मन की सुंदरता को कम देखते हैं और कौन कैसा दिख रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये लड़की, इसके ऊपर क्या कुछ नहीं होता है, बट शी इज सो पॉजिटिव, शी इज सो लविंग, अपने पति से इतना प्यार करती है, अपने घर वालों को इतना प्यार करती है और सब कुछ, इतनी खुश रहती है, इतनी पॉजिटिव है, इसका मन एक्चुअली में बहुत सुंदर है, इतना कुछ होता है फिर भी किसी के बारे में ज्यादा देर तक कुछ गलत नहीं सोचती है, कुछ किसी के लिए बुरा नहीं चाहती है। जो आपका किरदार है उसको कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? रुचिता का किरदार बहुत ही भोली है, रुचिता बहुत भोली है, और बोलते हैं ना कि शी ओनली लोगों की अच्छाई को देखती है, हाँ तो बहुत भोली है, लोगों की अच्छाई को देखती है और अपने अराउंड में चाहती है कि सब खुश रहें, उसका परिवार खुश रहे। ये कैरेक्टर बहुत सिंपल है और बहुत बहुत अच्छा है, मुझे तो प्यार ही हो गया रुचिता करते करते ना, मुझे लगता है कि यार ये कितनी भोली है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी नहीं हूँ। मेरे से लोग पूछते हैं, मैसेजेस आते हैं मेरे पास, यार आप सच में ऐसे? मैंने बोला नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है इतना पेशेंस, लेकिन रुचिता को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे कि वंस यू आर पॉजिटिव और ये सब हो भी रहे फिर भी तुम्हारे पास इतना सा अगर प्यार करने के लिए कोई इंसान है ना, तो उसके लिए वो काफी है, निहार जैसा इंसान उसको अगर प्यार से देख ले, प्यार से कुछ दे दे, वो उतने में बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। मुझे इससे, इस लड़की से, इस किरदार से ये सीखने को मिलता है कि खुश है छोटी सी चीज में। लेकिन उस तक में बहुत कुछ घटित होता रहता है, वो किसी और को लेके भी आती है, सब
कैसे कर लेती है वो, उसको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे डायलॉग्स पे ऐसे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब कैसे हुआ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर उसको लगता है कि हो सकता है गलती हो गई होगी, तो उसको कभी शक नहीं करती है वो किसी पे भी कि मेरी माँ है या मेरी दादी है, वो ऐसा नहीं कर सकती, हो सकता है मुझसे ही हुआ होगा, ऐसी है इतनी बोली कैसा कोई हो सकता है। इस सीरियल के 100 एपिसोड पूरे हो गए अब तक, जो आपने शूटिंग की उसके क्या अनुभव रहे आपके? बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा, मतलब मैं जिसकी भी तारीफ करूं कम है, स्टार्टिंग फ्रॉम माई प्रोडक्शन, इनके साथ मैंने पहले भी काम किया है, बेस्ट हैं डायरेक्टर सर, उनकी वजह से ये कैरेक्टर जो भी देखने को मिल रहा है लोगों को स्क्रीन पे, डायरेक्टर सर की वजह से, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं ये किरदार कैसे निभाने वाली हूँ। को एक्टर्स सबसे बड़ी बात, अगर वो लोग अच्छे हैं ना तो मुझे लगता है कि एक जो टीम वर्क होता है एक्टिंग में या थिएटर में या सीरियल में, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं होती है, और यहाँ पे लिटरली एवरीवन, भाभी, माँ, पापा, दादी सब बहुत अच्छे हैं, टच वुड, एवरीवन इज सो गुड एंड सो केयरिंग, एक अलग परिवार है, तो मैं परिवार से दूर रहती हूँ, यहाँ पे आके मुझे लगता नहीं है कि मैं सेट आ रही हूँ, मुझे लगता है दिस इज माई फैमिली, दिस इज वेयर आई बिलोंग, बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो फिल्म है निकम्मा, उसकी क्या पोजीशन है? पोजीशन मतलब कहां तक पहुंची फिल्म, क्या हो रहा है? वो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, इस साल या अगले साल रिलीज होगी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, उसमें शिल्पा शेट्टी है, अभिमन्यु है और शिल्ली शेट्टिया है, उसका कुछ उसकी डेब्यू है शायद ये, और उसमें मेरे को एक छोटा सा कैरेक्टर मिला है, कैमियो कैरेक्टर, विच इज ऑफ एंकर, लेकिन वो मेरा पहला था, बोलते हैं ना फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल, तो वो मेरा पहला काम था, और वो सीन भी मुझे याद है कि मैं गई और एक टेक में हो गया, और मैं ऐसे बैठी थी कि क्या सच में मैंने एक टेक में कर दिया है या कुछ गलत हुआ है पता नहीं, बट वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब मैं कुछ करने आई हूँ, मैं करूंगी, और वो पहला दिन था, तो मुझे याद है और मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ भी जब भी आएगा, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। पहला ब्रेक आपका फिल्म रहा, हाँ, उसके बाद आप सीरियल में बिजी हो गई हैं, हाँ, आपको नहीं था कि वापस फिल्मों में कुछ करना चाहिए? अभी तो मैं इसमें ही काम करना चाहूंगी जो अभी मैं करती आ रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, आगे तो आपको भी नहीं पता, आगे का मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा अच्छा ही आएगा, और जो आएगा वो मैं करूंगी। चलिए, किस तरह के किरदार करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको अभिनय की समझ हो गई होगी, तो मन में कई तरह के सवाल उठते होंगे, भाई मुझे ये करना चाहिए, इस ढंग का काम करना चाहिए। तो मैंने ना एक बार थिएटर में एक साइको वाइफ का किरदार निभाया था, थोड़ा वो डार्क था, तो मैं एक बार वो दोबारा से करना चाहूंगी ऑन स्क्रीन। हाँ, क्या शौक है आपके? मेरे शौक बहुत ज्यादा कुछ, मैं बहुत सिंपल लिविंग गर्ल हूँ, सुबह उठती हूँ, योगा करती हूँ, यहाँ आती हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, लिखना बहुत पसंद है, बस यही दो तीन चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि हर दिन करूँ और हर दिन करती हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है। क्या लिखती हूँ? मैं लिखती हूँ यही कि क्या हो, अभी मैं ये क्यों बताऊँ आपको, मतलब अपनी जिंदगी में क्या कर रही हूँ मैं, क्या करना चाहती हूँ, आई थिंक एंड आई राइट वॉट एल्स आई वॉन्ट इन माई लाइफ, और मैं कोशिश करती हूँ कि खुद को मैं याद दिलाती हूँ, भटक ना जाऊँ कहीं कि कुछ ज्यादा मिल रहा है तो कहीं मैं खो ना जाऊँ, तो मैं अपने आप को एक थोड़ा बीच में ले आती हूँ, बोलते हैं ना सेंटर ऑफ बीइंग, तो वापस आ जाओ, काम करो, और ये जिंदगी है। सोशल मीडिया और डिजिटल आने के बाद तमाम कलाकार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर या वहाँ फेसबुक वगैरह पर कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं, कुछ करते रहते हैं, इस ढंग के भी कुछ काम करती हैं आप? हाँ, करती हूँ ना, रील डालती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, मैं मेरा बहुत मैंने यूट्यूब चैनल खोलने का, लेकिन मैं डर जाती हूँ कि यार फिर एडिटिंग, बहुत मेहनत भी है, लेकिन मन है मेरा बहुत करने का कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूँ और उस पर ब्लॉगिंग करूँ और डालूँ, शायद मैं जल्दी करूँ भी, करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लिखती हैं तो कभी कोई ऐसा नहीं लगता लिखते समय कोई ऐसा ख्याल आता होगा जो आपको लगता होगा कि अरे काशी रुचिता के साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए तो? नहीं। तो क्या आगे इन फ्यूचर भविष्य में कुछ फिल्म की या सीरियल की पटकथा लिखने की या निर्देशन करने नहीं, की नहीं, मैं ये नहीं लिखती हूँ, नहीं मतलब डेली लाइफ क्या करना है, क्या कर रही हूँ, ये नॉर्मल, मतलब आप डायरी लिखती हैं अपनी? हाँ, मतलब अच्छा। पोयम और स्टोरी नहीं, बहुत आई एम वेरी आई डोंट नो आई कैन नॉट राइट। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करने की इच्छा है? बहुत इच्छा है, एक मैंने किया भी था मैरिड वुमेन करके, बालाजी की है ये वेब सीरीज, छोटा सा पार्ट मैंने किया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैं दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहूंगी, बहुत बहुत मन है, कौन नहीं करना चाहेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो आजकल सबके पास एक्सेस है, और दुनिया के हर कोने में फोन में आप देख सकते हो, हर जगह देख सकते हो, तो ऑब्वियसली मैं करना चाहूंगी, और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सीरियल करते हुए जो
भी आपने काम किया अब तक, उसमें कोई ऐसा आपके पास मैसेज आया हो, कोई ऐसी संदेश आया हो जिसने आपको कहीं ना कहीं आहत किया हो या आपको खुशी दे गया हो ज्यादा? हाँ, मेरे पास हर दिन आता है। सबसे बड़ी बात है कि कभी आज तक कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं सुनने को मिला है मुझे, और मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं सारे मैसेजेस देखती हूँ जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे आते हैं। आई रीड ऑल मैसेजेस, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है रिव्यू जानूँ तो लोगों से लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं क्या रिव्यू दे रहे हैं। कुछ कुछ लोग ना मुझे वॉइस रिकॉर्ड भेजते हैं, दे आर सो मच इनटू दैट कैरेक्टर की दीदी ये जो आपके साथ हो रहा है ना वो आपकी सांस कर रही है। मतलब कितने नाइव है कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि एक्टिंग है ये, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि लोग एक्चुअली पसंद करते हैं। और जो भी छोटे मोटे जैसे मैं रोती हूँ, उनको मेरा रोना नहीं पसंद है, उसके लिए मेरे पास स्पेशल मैसेजेस आते हैं जिसमें रोने का सीन होता है कि दीदी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप इतना क्यों रो रही हैं, आपसे निहार बहुत प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई एम एबल टू गिव एटलीस्ट 10% जस्टिस टू द कैरेक्टर, दैट पीपल आर एबल टू फील व्हाट आई एम फीलिंग। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक सक्सेस है एक एक्टर के लिए कि तुम जो महसूस कर रहे हो उधर से भी वो चीज़ पलट के आ रही है। सृष्टि आनंद जी, फिल्मी संघों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।